अजमेर दरगाह पर सर्वे का बड़ा आदेश, शिव मंदिर बताने वाली याचिका को कोर्ट ने किया स्वीकार, जारी किया नोटिस। नमस्कार, आप देखना तो शुरू कर चुके हैं द खबर वाला, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश के संभल में जिस तरीके को लेकर तमाम विवाद देखने को मिला है, उसके बाद अब अजमेर में अजमेर शरीफ दरगाह पर एक तरीके से कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। और इस याचिका में ये दावा किया गया है कि दरगाह के नीचे शिव मंदिर है, यानी भगवान शिव का वह मंदिर पहले हुआ करता था। आपको बताते चले कि इस याचिका को संकट मोचन मंदिर होने का दावा करते हुए हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी। वकील रामनिवास बिश्नोई और ईश्वर सिंह ने इस याचिका के पक्ष में कोर्ट के सामने दलील पेश किया गया। हम आपको बताते हैं इसके तहत हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने 1910 में प्रकाशित हुए विलास सरदा की एक पुस्तक और अन्य दस्तावेजों का हवाला देते हुए यह दावा किया है कि उसमें उन्होंने मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य भी पेश किया है और सर्वेक्षण कराने की वहाँ पर मांग की गई है। हम आपको बताते चले कि भगवान शिव के बाल स्वरूप की ओर से वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि दरगाह के पहले वहाँ शिव मंदिर था। इसके समर्थन में दस्तावेज और ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। वकीलों ने अदालत से अनुरोध किया कि इस स्थल को हिंदू समाज को पूजा के लिए लौटाया जाए। यह तर्क भी दिया कि यह ऐतिहासिक संकट मोचन शिव मंदिर है। हालांकि अगर हम आपको बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई जिस तरीके से 27 नवंबर को की गई थी, वहां पर ये सब कुछ कोर्ट ने आदेश दिया था। अगर हम आपको इस दरगाह की कुछ इतिहास की बात करें तो 15 मार्च 1236 ईस्वी में 93 साल की उम्र में यहां पर अजमेर शरीफ में इंतकाल हुआ था, जिसमें दरगाह का निर्माण कराया था। राजस्थान टूरिज्म के मुताबिक इस संत के सम्मान में मुगल राजा हुमायूं ने इस दरगाह का निर्माण करवाया था। आप इस दरगाह के अंदर विशाल चांदी के दरवाजों की एक श्रृंखला के जरिए प्रवेश करते हैं, जो एक आंगन की तरफ ले जाते हैं और वहां पर मौजूद हैं। अगर हम आपको अजमेर शरीफ की एक कहानी की बात बताएं, तो जिस तरीके से बताया जाता है कि 89 साल की उम्र में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया था और जो भी उनसे मिलने आता था वह इनकार कर देते थे। इस दौरान नमाज अदा करते करते वह एक दिन अल्लाह को प्यारे हुए थे। उनके चाहने वालों ने इस स्थान पर उन्हें दफना दिया था और कब्र बना दी थी। अगर हम इस दरगाह की बात करें तो यहाँ पर साल में तमाम समाज, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन अब इस याचिका से एक बार स्थिति फिर बदल गई है। इसको लेकर विपक्ष भी राजनीतिक पर तौर पर सरकार के घेरने के नज़र आ रहा है। स्थानीय मुस्लिम तीर्थ यात्रा के दौरान तो किसी दरगाह की यात्रा, इस यात्रा को जियारत कहा जाता है। यानी यहाँ पर अगर आप अजमेर शरीफ पहुँचते हैं तो अजमेर शरीफ दरगाह पर आपके दर्शन को इस्लाम में काफ़ी अहमियत दी जाती है। अगर हम आप बात करें तो अजमेर दरगाह की जगह हिंदू मंदिर का विवाद क्या कुछ रहा है। हम आपको बताते चले कि अजमेर में के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जगह पर स्थान पर मंदिर होने के दावे में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब हिंदू सेना के अध्यक्ष और याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने दावा किया कि दो साल से पहले से वो इस मुद्दे पर और इस मामले पर गहन अध्ययन कर रहे थे, जिसको लेकर स्थानीय कानूनी चुनौती 20 दिसंबर को सुनवाई की तारीख तय की गई है। हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से अजमेर शरीफ की दरगाह पर संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है, इसको लेकर अदालत ने तमाम 750 पन्नों के मुकदमे के 38 पन्ने तक सीमित कर दिया है। यानी 750 पन्नों के मुकदमे की कार्रवाई को महज 38 पन्नों पर सीमित करके मामले की सुनवाई पर की गई। याचिका का विचार करते हुए अगर हम बताएं तो न्यायालय के निर्णय प्रमुख हितधारकों को शामिल किया गया है। अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय, दरगाह समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस भेजे गए थे, जिसमें दिसंबर की सुनवाई तक उन्हें इनपुट मांगे गए थे। इस मामले को विभिन्न प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। हम आपको बता दें इसमें तमाम राजनीतिक दलों ने राजनीतिक तौर पर सरकार को घेरने की भी कोशिश की है। अजमेर शरीफ दरगाह पर क्या कुछ है,
तमाम अपडेट हम आपको इस वीडियो में बता रहे थे। और अगर इस निर्माण की बात करें तो इस अजमेर शरीफ का निर्माण इल्तुतमिश के ने प्रारंभ कराया था और हुमायूं के काल में इसका निर्माण पूरा हुआ था। अजमेर शरीफ पर तमाम इस्लामिक से जुड़े हुए लोगों का जो है वो नेता है। आपको क्या लगता है, हमें अपने राय कमेंट करें। जय हिंद।